इंट्रोडक्शन के हवाले से मैं एक बात बता दूं, दो बड़े नाम इस परफ्यूम के साथ जुड़े हैं, एक जुनैद भाई का अपना नाम और दूसरा शुएब मलिक का नाम। सो इस तरह के मैं कह सकता हूँ कि कोशिशें और इस तरह की प्रोग्रेस जेड डॉट काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर को लेके आना और उनके साथ फिर इस तरह की कोलैबोरेशन करके अपने फ्रेग्रेंस को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डालना, ये एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस है। कोई भी पाकिस्तानी ब्रांड अगर वो बाहर इंटरनेशनल मार्केट में एज एन फ्रेग्रेंस ब्रांड भी उठ के आता है तो हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है। सो आज मैं बात करने लगा बहुत ही ज़बरदस्त, कह लेंगे बहुत ही रीसेंट रिलीज बाय जे डॉट, और मुझे ऐसा लगता है कि टारगेट किया गया है एक ऐसी कम्युनिटी को या एक ऐसी कैटेगरी को जो पाकिस्तान में बहुत आम है, मतलब ऑफिस सेटिंग एनवायरनमेंट की जो कह लें कि पॉपुलेशन है उसको अच्छे तरीके से फोकस कर एक ऐसा फ्रेग्रेंस बनाया गया है जिसको उन्होंने फूज और वुडी मस्की टाइप का कह लें कि फ्रेग्रेंस इंट्रोड्यूस कराया। बट मोर ऑन दैट आई फील कि ये बहुत थोड़ा क्लोज होता है कहीं ना कहीं किसी न किसी ब्लू फ्रेग्रेंस के से। सो बात करेंगे बहुत ही अमेजिंग टाइप की पैकेजिंग के अंदर रिलीज़ होने वाला ऑलराउंडर शुएब मलिक बाय जे डॉट। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसकी पैकेजिंग के ऊपर। पैकेजिंग आपको नज़र आ गई होगी, मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत ज़बरदस्त लगती है, हैंडल जो इसमें दिया है इसको कैरी करने का अच्छी खासी पैकिंग मैं कह सकता हूँ कि आपको नज़र आने वाली है। और प्राइस रेंज की बात करें उस प्राइस रेंज में इस तरह की पैकेजिंग आपको शायद थोड़ी मुश्किल से मिले। सो ओवरऑल पैकेजिंग अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये इसका बॉक्स है, यहाँ पर इसका एक ओपनिंग क्लिप दिया गया है। अब जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो सबसे पहले आपको ये थोड़ा ऑरेंज टाइप का बैकग्राउंड आपको यहाँ मिलने वाला है। एक फोम दिया गया है जो इसकी बॉटल को प्रोटेक्ट करेगा, और उसके बाद अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको परफ्यूम नज़र आएगा। सो बॉटल को निकालते हैं, ये है इसका बॉटल, बॉक्स को रखते हैं एक तरफ, क्लिप करते हैं क्लोज एंड देन। सो ये ओवरऑल आपको इसकी पैकेजिंग मिलने वाली है। एक प्लेयर कैप के ऊपर दिखाया गया है जो बैट अपने बैट के साथ है, और दूसरा अगर मैं बात करूं इसके बैक में आपको मिल जाएगा एक प्लेयर जो कि बॉलिंग एक्शन के अंदर दिखाया गया है। सो दैट मीन्स ऑलराउंडर, आई थिंक क्रिकेट जो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं क्रिकेट का उतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ और ना क्रिकेट को बहुत नॉर्मली देखता हूँ या कह लें कि बहुत कॉमनली क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं रखता, लेकिन इस परफ्यूम की बात करते हैं शुएब मलिक को कौन नहीं जानता। एक अच्छा कोलैबोरेशन है, उसी तरह जिस तरह से कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड आज CR7 मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ करता है, डेविड बेकहम के साथ करता है, और बहुत ऐसे ब्रांड्स हैं जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स के साथ अपने प्रोडक्ट को कोलैबोरेशन करके लॉन्च करते हैं क्योंकि उनके नाम की एक फेम होता है, एक हाइप होती है और लोग उनके फ़ैन होते हैं, सो उस पर अट्रैक्ट होते हैं। शुएब मलिक का सिग्नेचर आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ये कह लेंगे मुझे बहुत ज़बरदस्त चीज़ लगी इसके ओवरऑल बॉटल के अंदर। कैप की बात करेंगे तो हम थोड़ा हैवी मेटल का कैप है, अंदर प्लास्टिक है और प्लेयर नज़र आने वाला है। सो मीडियम साइज की आपको इसकी नोज़ल मिल जाएगी इसके ऑटोमाइज़र के अंदर, जे डॉट इसके ऑटोमाइज़र के टॉप में है। और अगर बात करें थोड़ी बहुत डिटेल आपको इसके बॉटम में मिल जाएगी, ऑलराउंडर शुएब मलिक ओदे परफॉर्म, 100 ml का बॉटल है ये, और कुछ इस तरह का नज़र आता है। अच्छा एक चीज़ जो है ना मैंने जो नोटिस की, शायद बहुत सारे लोग नोटिस ना करें, वो ये है कि इसके अंदर जो इस पैनल को लगाने के लिए जो ग्लू लगाया गया है, जो ग्लू इसके अंदर आपको इसको पेस्ट करने के लिए लगाया है, वो आपको इसके बॉटल में नज़र आता है। सो मेरे आइडिया में एक चीज़ ये है कि अगर जेड डॉट थोड़ा फोकस करे इसके इस वाले पार्ट के ऊपर जहाँ ग्लू बहुत नज़र आता है, कोई फाइन फिनिशिंग जो है ना वो होनी चाहिए थी। वैसे एवरेज बॉटल है, पैकेजिंग मुझे अच्छी लगी, वेल प्रोटेक्टेड है जब ये आता है तो। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस तरह के फ्रेग्रेंस मैंने और नहीं ट्राई किए या इससे सिमिलर फ्रेग्रेंस जिन परफ्यूम्स किए हैं उनको नहीं ट्राई किया, मैंने तकरीबन इस जैसे कई क्लोजर परफ्यूम ट्राई किए हैं। ये किसी ना किसी हद में कह लें कि एक ब्लू टाइप की फ्रेग्रेंस से बहुत क्लोज़र है, जिसके अंदर आ जाता है
ब्लू डी शनैल का परफ्यूम वर्जन, बहुत बहुत रीसेंट और वुडी फ्रेग्रेंस की जो रिलीज़ है उससे थोड़ा ये कह लें कि क्लोजर है। बात करेंगे इसके हम फर्स्ट सेकंड थर्ड नोट के ऊपर। सो क्या फील होने वाला है इसके फर्स्ट नोट के अंदर, एक चीज़ मैं बता चलूँ, ग्रेप फ्रूट आपको अच्छा खासा फील होने वाला है, जिसकी शार्पनेस को इसकी ओपनिंग्स के अंदर अच्छा खासा कह सकते हैं कि बरकरार रखता है। एप्पल का एक थोड़ा बहुत नोट आपको समझ में आने वाला है, वो भी इसकी ओपनिंग में, थोड़ा सिट्रस ही कह लें कि शार्पनेस के लिए। लवेंडर, थोड़ा सा स्पाइसी एक और नोट आपको नज़र आने वाला है उसके अंदर, कह लें कि पेपर का। बट मैं कह सकता हूँ कि स्पाइसी मुझे इतना नहीं लगता है इसकी ओपनिंग्स के अंदर, मोर ऑन दैट कहीं ना कहीं ग्रेप फ्रूट और एप्पल का मैच, थोड़ा लवेंडर का जो इसके अंदर टच है वो ज़्यादा है कंपेयर टू पेपरिश फ्रेग्रेंस के। बात करेंगे हम इसके सेकेंड नोट के बारे में। सो अगर मैं बात करता चलूँ इसके मिडिल नोट के बारे में, इसके सेकेंड नोट के बारे में, बहुत ज़्यादा जो आपको फील होने वाला है कार्डियमोम, वायलेट फ्लावर, सेडारवुड आपको थोड़ा बहुत फील होने वाला है, बट मिडिल नोट में वो इतना स्ट्रांग मुझे नहीं लगता। आयरिस का भी एक नोट आपको इसके मिडिल नोट के अंदर मिलने वाला है, लेकिन वो इतना ज़्यादा परफॉर्मेबल मुझे फील नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी आपको फील होता है, बहुत जल्दी फिर वो आउट हो जाता है इसके मिडिल नोट से। बात करेंगे हम इसके बेस नोट के ऊपर, शायद वहाँ जाके ये थोड़ा और वुडी हो जाए, सो ज़रूर देखिए। सो अब बात कर लेते हैं हम इसके बेस नोट के ऊपर, जहाँ बहुत ज़्यादा मैं कह सकता हूँ आपको अम्बर वुड और उसके साथ मस्क का एक जो है ना नोट मिलने वाला है। अब आपको थोड़ा बहुत कह लेंगे किसी एच पे पचूली का भी एक नोट फील होने वाला है, बट अगेन दैट इज़ नॉट सो स्ट्रांग व्हेन इट कम्स टू द बॉटम पॉइंट, या कह लें कि इसके बेस नोट के अंदर। एक और नोट अगर मैं कहूँ कि सैफ्रोन की फ्रेग्रेंस ऐसी है कि आमतौर पे बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंसेस के अंदर यूज़ नहीं की जाती, सो एक लिमिटेड कैटेगरी है जहाँ पे आपको सैफ्रोन का या ज़ाफरान का जो है नोट मिलने वाला है, उसका एक टच है लेकिन प्रोमिनेंट कोई उसकी फ्रेग्रेंस आपको इसके बेस नोट में फील होने नहीं वाली। सो अगर ओवरऑल आइडिया के अंदर बात करें, बताता चलूँ कि किसी ना किसी स्टेज पे ये थोड़ा बहुत अंबरी वुडी फूजर टाइप का फ्रेग्रेंस है, लेकिन मोर ऑन दैट अगर मैं बोलूँ मुझे जो पर्सनली फील होता है, ऑफिस सेटिंग टाइप के जो फ्रेग्रेंस है, डिसेंट टाइप के जो फ्रेग्रेंसेस डेली यूज़ में हो सकते हैं, उस तरह के फ्रेग्रेंस, शायद यही एक वजह है कि इसको प्लेयर के एक्शन के से हट के ऑलराउंडर इसलिए और भी कहा गया हो कि आप इसको हर तरह की सेटिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं, बट ऑफिस सेटिंग के हिसाब से मैं कह लूँगा ये बड़ा बेस्ट आइटम हो सकता है किसी भी एवरेज सिचुएशन के अंदर। बात करेंगे हम इसके प्राइसेस के ऊपर, लॉन्जेविटी के ऊपर और कॉम्प्लीमेंट फैक्टर के ऊपर। सो जब हम बात करते हैं इसकी लॉन्जेविटी के ऊपर, तो मैं एक चीज़ बताता चलूँ, प्रोजेक्शन जो है इसकी पहले एक दो घंटे के अंदर कम अज़ कम 5 से 6 स्प्रे करने में आपको पता लगती है, लेकिन ड्राई डाउन होने के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा लंबे टाइम लास्ट नहीं करता एक मैसिव प्रोजेक्शन में, बट लिमिटेड प्रोजेक्शन में, या कह लें कि आप अगर अपने स्किन पे या आपसे कोई बहुत ज़्यादा क्लोज़र होगा एक हाथ के फासले या उससे ज़्यादा में, तो शायद आपको स्मेल कर पाएगा। और 6 या 7 घंटे के बाद आपको ये फ्रेग्रेंस लिटरली अगर आपने क्लोथ में स्प्रे किया तो शायद नहीं आए, अगर स्किन पे किए तो स्किन पे थोड़ा स्टिक होता है वो आपको फील ज़रूर होगा, बेस नोट उसका फील होने वाला है जहाँ पे ये अंबरी और वुडी टाइप का है थोड़ा, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस 7 घंटे से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छी करता हो, बट ओवरऑल 8 घंटे तक आपको अपने स्किन में ये फील होता रहेगा। अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट फैक्टर की। अब मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा लोगों ने इस तरह के फ्रेग्रेंस को इस्तेमाल किया या इस स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस को इस्तेमाल किया बाय जे डॉट। मेरे पास जब से आया तकरीबन मैंने 3 से 4 मरतबा इसको स्प्रे कर चुका हूँ, और अगेन जिस तरह की मेरी अपनी गैदरिंग है या जिस तरह का मेरा अपना सिटिंग एनवायरनमेंट है, मैं उनमें लोगों को बताता हूँ कि आप चेक कीजिए आपको क्या लगता है फ्रेग्रेंस कैसी है, तो उसके बाद जो जिस तरह का आइडिया मुझे मिलता है और मेरा पर्सनल जो आइडिया होता है वो मैं शेयर कर देता हूँ। सो परफॉर्मेंस के हवाले से बताऊँ या कॉम्प्लीमेंट फैक्टर के हवाले से बताऊँ, बहुत सारी फ्रेग्रेंस से क्लोज़र है, ब्लू फ्रेग्रेंस है जो वेस्टर्न वर्ल्ड की जो ब्लू फ्रेग्रेंस है उनसे थोड़ा क्लोज़र है। 100 ml का ये ओदे परफ्यूम ऑलराउंडर किसी ना किसी एज में आपको आके ये ज़रूर फील होने वाला है। अगर किसी ने ब्लू डी शनैल का नया जो उसका परफ्यूम वर्जन है वुडी फ्रेग्रेंस जो है उसको यूज़ किया है तो ज़रूर रिजेंबल फील होगी उसको। कॉम्प्लीमेंट फैक्टर एवरेज है, अच्छा है, शायद ऑफिस सेटिंग में ज़्यादा अच्छा लगे, ये हैं इसके कॉम्प्लीमेंट जो मैंने सुने हैं या जो मैं इसको दे सकता हूँ।
आगे बात करेंगे हम इसके प्राइसेस के ऊपर। सो बात कर लेते हैं प्राइसेस के ऊपर। ऑलराउंडर शुएब मलिक बाय जे डॉट के। पैकेजिंग अगेन मुझे बहुत पसंद आई। एक तो इसके अंदर जो डार्क और वुडी टेक्सचर जो दिया गया है इसके कवर के अंदर, जो इसकी फर्स्ट लेयर है, वो भी अच्छी लगी। प्राइस और कहाँ से बाय कर सकते हैं, सबको पता है कहाँ से बाय किया जा सकता है ये परफ्यूम। प्राइस जो इन्होंने रखा है मेरे हिसाब से बड़ा ही एवरेज और बहुत ज़बरदस्त प्राइस है। 5,500 के अंदर आपको इसका एक यूनिट मिलने वाला है 100 ml का। जे डॉट के किसी भी आउटलेट से आप बाय कर सकते हैं। सो ऑथेंटिसिटी के ऊपर, लेजिटिमेसी के ऊपर कोई डाउट आने वाला नहीं है। ज़रूर ट्राई कीजिए, स्पेशली अगर आप ऑफिस सेटिंग वाले आदमी हैं, अगर आप ऑफिस सेटिंग वाली पर्सनैलिटी हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। हर सीज़न के अंदर परफॉर्म करता है, हर सीज़न के अंदर ये चल सकता है, हर सीज़न के अंदर इसको यूज़ किया जा सकता है और हर तरह की गैदरिंग में इसको यूज़ किया जा सकता है। शायद ये इसका एक रीज़न हो जिसकी वजह से इसका नाम इन्होंने ऑलराउंडर रखा है। सो ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा जे डॉट के ऑलराउंडर के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के अच्छे अच्छे रिव्यूज़ हम लाते रहें आपके लिए, तो काइंड रिक्वेस्ट चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाय बाय।